नमस्कार, मैं हूं गुरलिंक और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। लखीमपुर खीरी, ससुराल गए युवक की संदिग्ध पिटाई के बाद मौत। मृतक के पिता ने लगाया ससुरालियों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर खुर्द निवासी अजय गौतम उम्र 28 वर्ष, पुत्र राम अवतार गौतम निवासी सुरजी पुरवा रामपुर खुर्द, जो कि गत 27 दिसंबर को अपनी ससुराल रसूल पनाह कोतवाली क्षेत्र गोला गया हुआ था, को दिनांक 28 दिसंबर को एक एम्बुलेंस चालक द्वारा गंभीर घायल अवस्था में जिला हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई। मृतक के पिता ने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पत्नी आरती कुछ दिन पूर्व बगैर बताए अपने मायके चली गई थी, जिसे लेने मृतक ससुराल रसूल पनाह गया था, पर 28 तारीख को एम्बुलेंस चालक द्वारा फोन पर उनके पुत्र के घायल पड़े होने व एम्बुलेंस द्वारा जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराए जाने की सूचना मिली। मृतक के पिता राम अवतार गौतम ने बताया कि उनके इकलौते पुत्र की पत्नी आरती गौतम अपनी मन मर्जी से ही आती जाती थी, पुत्र द्वारा टोकने या रोकने पर लड़ाई करती थी। वहीं ससुराल वाले मृतक को धमकी भी दिया करते थे। अप्रत्याशित कारणों से मृतक की पत्नी ससुराल नहीं आना चाहती थी, पर उनका लड़का अपनी पत्नी को लाना चाहता था। मृतक के पिता ने अपने इकलौते बेटे की मौत के लिए उसकी पत्नी व ससुर को जिम्मेदार ठहराते हुए पिटाई कर सड़क पर फेंक कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हॉस्पिटल से ही शव को अपने कब्जे में लेकर सील कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। कब हुई कि आपके लड़के साथ कोई घटना हुई है या कैसे, क्या कोई जानकारी कब मिली आपको? ये हमको जानकारी 28 को। हाँ, किसने बताया? 27 तो किसने बताया आपको? एम्बुलेंस वाले ने? एम्बुलेंस वालों ने सर बताया। क्या बताया? एम्बुलेंस वालों के सब भी नंबर पाइन हुए रिश्तेदार के, मेरे पास फोन गया तो उन्होंने मेरे पास फोन किया, तो हम ये खबर हमको मिली कि लखीमपुर जल्दी पहुंची है, तुम्हारा लड़का बहुत बेहाल पड़ा हुआ है। तो हम साहब तब अपना इंतजाम करके साहब लखीमपुर पहुंचे, तो वहाँ देखा कर जाके हम तो साहब बहुत घबरा गए, बहुत बॉडी उसकी खराब थी साहब, बहुत मारा पीटा नो, उसके ससुराल वालों ने चोट पेट लगी थी, चोट सब ये सब फूटा पटा था, चेहरा फूटा था, चेहरा साहब फूटा था और सीनम चोट लगी, साहब बहुत मारा था। और गाड़ी भी उसकी कहीं खरोंच नहीं आती, वो सब गाड़ी उसके ऐसी बुरी तरफ से तोड़ा है, बहुत बुरी तरफ से गाड़ी तोड़ फोड़ के प्रधान के वहाँ खड़ी है साहब गाड़ी। ये ससुराल कहाँ थी उसकी? ये ससुराल रसूल पनाह में थी। रसूल पनाह में जी? किसके यहाँ? जी रमेश के यहाँ। रमेश गौतम जी। इनके पिताजी क्या नाम? छविनाथ। छविनाथ। इनका ससुराल थी लड़के की? अच्छा, लड़की आती नहीं थी, जो इसकी बहू थी लड़के की तुम्हारे जी, तो आती नहीं थी या कैसे? अपने मंदिर से आती थी, अपने मंदिर चली जाती थी। अच्छा, जब इच्छा कहती थी तब चली जाती थी। अच्छा, हमसे कोई लेना देना का संपर्क नहीं था साहब। अच्छा, आपसे लेना देना नहीं था जी? अच्छा, तो मतलब अभी इस घटना के बाद में आप वो ससुराल वाले आए? जी नहीं आए, कोई नहीं आया सर। कोई आपको बताने आपके घर आया? कोई भी नहीं आया साहब। आपकी बहू आई? कोई नहीं साहब। मतलब ये कैसे कि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में पड़ा हो वो नहीं आए, ये तो बहुत मामला भाई। जी साहब, वो चाहते थे, उन्होंने करवाया तो कैसे आते साहब? आपको क्या लगता है क्या घटना हुई? ये हमको साहब मार गए साहब, डाल गए हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम राम अवतार है। कहाँ रहते हैं? ये सुरजीपुरवा में रहते हैं। सुरजीपुरवा जी। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए।